अगर आपकी आयु 18 वर्ष से कम है तो कृपया आगे ना पढ़ें। अगर आप हिंसा को स्वीकार नहीं करते हैं तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इसे बिल्कुल भी ना। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वेवी व्लॉग्स में। तो आपका भी किताब से भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत करता है। तो दोस्तों अभी हम एक आए हुए घने जंगल के अंदर, तो मोनू को एक बार जंगल बता दो। तो गाइस अभी हम जंगल से 1-2 किलोमीटर आगे आए हैं। तो हमारे एक सब्सक्राइबर ने, हमारे एक बहन ने हमको कमेंट करके बताया कि इस जंगल में जाके बताओ अगर हिम्मत है तो, क्योंकि फिर मैं इस जंगल के अंदर आया तो मैंने आसपास के गांव वाले लोगों से पूछा कि भाई इस जंगल में ऐसा क्या है जो मतलब इतना चर्चा चलती है जंगल के बारे में। तो उन गांव वालों ने मेरे को बताया कि एक बार एक औरत थी, बूढ़ी औरत, 60-65 साल तक की औरत थी। वो जंगल के अंदर लकड़ियां लेने आई थी दिन के समय में। तो दिन लकड़ियां काटते काटते उसको शाम हो गई। वो जंगल से घर पे जा रहे थे ना, उस टाइम उसको रास्ते के अंदर 5-6 गुंडे मिल गए थे। गुंडे मामाली लुटेरे मिल गए थे। तो उस गुंडे वगैरह थे ना, उन्होंने उस बूढ़ी औरत को बोला कि तुम्हारे जो भी सोने वगैरह लग गया वो मेरे को दे दो। लेकिन उस बूढ़ी औरत ने मना कर दिया कि मेरे पति की आखिरी निशानी है, मैं तुमको नहीं दे सकती। तो फिर जो भी गुंडे वगैरह थे ना 5-6, उन्होंने ना उसका मर्डर कर दिया जंगल के अंदर। पैर काट दिए तो उन्होंने बताया, पैर काट दिए, हाथ काट दिए और कंगन वगैरह लेके चल गए, वहीं पे मार दिया उसको। उसकी अकाल मृत्यु हुई थी और उस जो भी उसका मोक्ष नहीं हुआ था उस औरत का। तो इसी वजह से आज भटकती है, इसी वजह से आज भटकती है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि अभी भी इस जंगल में औरत घूमती है। दोस्तों हम तो अभी रात को आए हैं यहाँ पे, दिन में भी कोई नहीं आता है, दिन में भी किसी की हिम्मत नहीं होती है इस जगह पे आने के लिए। दोस्तों यही पता करने आए, मतलब कि वो एक जो ये मतलब आस पड़ोस के जो गांव वाले ये आने से शाम को 5-6 बजे अंदर होने के बाद में आने से डरते हैं कि वाकई ये सत्य घटना है या ऐसे अफवाहें फैला रही है। क्योंकि बहुत से बार ऐसा होता है कि कुछ गलत काम कारना में होता है जंगलों में, ऐसे जैसे कोई मतलब गैरकानूनी काम होना, इस वजह से मतलब एक खौफ बनाया जाता है कि हाँ वहाँ पे कुछ 2-3 आदमी ऐसे डराने के लिए खड़े हो, ये वो। तो एक बार वही चीज का पर्दाफाश करेंगे क्लियरली, वहाँ पे कुछ वो आत्मा वगैरह कुछ दिखती है नहीं दिखती। चलते भाई एक बार आगे। तो दोस्तों लोगों तो बहुत सारे लोगों ने बोला हमको इस जगह के बारे में, तो आज हम देखने आए हैं कि वो चीज दिखती है नहीं दिखती है, क्या होता है हमारे साथ। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज की जो भाई के हाथ में लट है, ये इसी कारण से क्योंकि जंगल में जानवर का बहुत ही खतरनाक खतरा बताया था आसपास गांव वालों ने। तो मोनू भाई थोड़ा आगे चलते हैं। तो गाइस अगर वो दिखी ना तो हम आपको पूरा कोशिश करेंगे उसको दिखाने के लिए। तो गाइस चारों तरफ जंगल ही जंगल है, यहाँ पे गाड़ी भी नहीं आ सकती, हम पैदल आए 1-2 किलोमीटर भी आगे से। इधर से भाई रास्ता, इधर से, इधर से, हाँ इधर 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 से ये रास्ता है। देखो देखो गाइस चारों तरफ जंगल ही जंगल है बहुत ज्यादा। देखते हो बूढ़ी माँ आज हमको दिखती है नहीं दिखती है, लोगों ने अफवाह फैला रखी है सही में ऐसी कुछ होता भी है नहीं होता। वो तो मतलब चारों तरफ आप देख पा रहे हो कि मतलब एक बिल्कुल घना जंगल है, कोई भी चीज़ ऐसे डोली साइड इधर क्या चीज़ है, वो जानवरों का भी खतरा है ना बहुत ज़्यादा। चारों तरफ जंगल है यार, पर इस तरफ ये देखो गाइस यहाँ पे कांटे वगैरह बहुत ज्यादा है। गाइस आज हम सिर्फ 2 जने हैं, अपने सारे बड़े भैया आए हैं मोनू भैया। मोनू भैया उधर से आवाज आई है, कहाँ से भाई? इस तरफ से, जैसे कोई लकड़ी काट रहा है वैसी आवाज आई है मेरे को। रुको यार कौन है वहां पे, कौन है? ओ भाई बस, ओ भाई तो आपने आवाज सुनी? हाँ यार आवाज आई है उधर से। रुको अपन कोशिश करते हैं, आगे चलते हैं, रुको उससे बात करने की कोशिश करते हैं। रुको भाई, भाई आवाज, मोनू भाई थोड़ी हिम्मत करके आगे चलते हैं, पता लगा के। ओ भाई भैया कुछ कहता यार मोनू भैया, कुछ अजीब सी हलचल हो रही है यार, है ना मोनू भैया? थोड़ा आगे चल के आते हैं, पता करते हैं मतलब। ओके भाई आवाज आ रही है यार, यार। हम आपको परेशान करने नहीं आए हैं, हम आपसे कुछ बात कुछ करना चाहते हैं। मेरे बच्चों को कोई नहीं काटेगा भाई, आवाज आ रही है भैया, आवाज किसकी आ रही थी? कोई दिख ही नहीं रहा है चारों तरफ। कोई दिख नहीं रहा है यार, कोई चलते समय इधर ही।
भाई ये क्या चीज है? रुको इधर आओ, इधर आओ भाई, भाई इधर आओ, कोई आओ उधर भाई, ये क्या चीज है? वाइट वाइट कौन हो भाई, क्या चीज है? फोन पे लाइट कम करो, लाइट कम करो, लाइट कम करो थोड़ी, फोन पे लाइट कम करो, लाइट कम करो, कैप्चर भाई, ओ भाई फोन पे भाई, यही यही थी वो यार, फोन पे लाइट कम करो, कैप्चर हो रहा है, लाइट कम करो मोनू भैया, अब उसको आगे से कैप्चर करते हैं, इधर आओ, इधर आओ, चलो फोन पे थोड़ा ध्यान ध्यान थोड़ा यार, फोन पे थोड़ा जल्दी आओ यार, फोन पे हमला कर सकते हैं, चलो क्या चीज है? रुको इधर से देखते हैं उसको थोड़ा दूर से। गाइस आज हम हमारे जान पे खेल रहे हैं गाइस, दोस्तों यार भाई को थोड़ा सपोर्ट करो यार, आपके हिम्मत की जरूरत है भाई, रुको रुको आगे से कैसे बच्चे, इधर आओ भैया, चलो चलो आगे चलो, हम तुमसे बात करना चाहते हैं भाई यार, रुको रुको थोड़ा पास चलते उसके, आओ आओ इधर से, इधर से ज्यादा नजदीक मत, इधर से आओ, इधर से ऊपर से, रुको इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर तुम वाले लोगों को क्यों परेशान करती हो? फोन में इधर आ जाओ, पत्थर के पीछे, फोन में पत्थर के पीछे आओ भाई, अम्मा हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, क्या आपके साथ जंगल में क्या हुआ यार? मोनू भाई भाई, नहीं भाई वो इशारा दे रही है, भाई इशारा कर रही है वो, क्या आप हमें बता सकते हो आपके साथ क्या हुआ? भाई इशारा कर रही है वो, इशारा कर रही है मोनू भैया, कुछ भाई इधर से आओ, इधर से आओ, इधर से आओ करके उससे बात करने की कोशिश करते, थोड़ा आगे हो आप, उस दिन आपके साथ क्या हुआ कि हम जान सकते हैं, आपसे आपसे क्या हुआ उस दिन आपके साथ? हो भाई वो इशारा कर रही है यार, थोड़ा कैप्चर करते हैं उनको, उनको उससे बात करने की कोशिश करते हैं, नुकसान नहीं पहुंचा रही है, आप गांव वाले लोगों को क्यों परेशान करती हो अम्मा? हो भाई इशारा दे रही है यार वो, मोनू भैया क्या हम आपसे पास में आके मिल सकते हैं? भाई पास चलते हुआ वो हिम्मत करते थोड़ी भाई, ज्यादा नहीं बजो, ओ भाई मोनू भैया, भाई मोनू भैया रुको, आओ आओ भाई वो आगे बढ़ रही है यार, भाई वो आगे बढ़ रही है भाई, भाई 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 नहीं भाई, भाई उठो बराबर से भाई, भाई वो आगे बढ़ रही है भाई, भाई चलना पड़ेगा, आगे निकलते भाई, भाई वो अपनी तरफ भी आ रही है,